थे वो बीजेपी का एग्जिट पोल था, आज आपने जनता का एग्जिट पोल देखा है। और मैं यही कहूंगी ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव था, क्योंकि ये 400 पार का नारा लगाते थे कि 400 पार करेंगे संविधान बदल देंगे, लेकिन जनता ने इस बार उनको जवाब दिया है कि संविधान सुरक्षित रहेगा और इस बार लोगों ने जिताया है। और मैं कहूंगी मछीचर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनकी बिटिया, उनकी बहन, उनकी हक की लड़ाई लड़ूंगी मैं, और मैं लॉयर हूँ सुप्रीम कोर्ट की, जो उनकी आवाज़ लड़ने की लड़ाई की लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाऊँगी। वोटों से जीत आपने दर्ज की जी, एक्यूरेट आई थिंक राउंड ऑफ 40,000 के आसपास है। कितनी बड़ी जीत इसको मानते हैं आप? जी देखिए, मैं यही कहूँगी इस समय आप जानते हो कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पिलर है वो कहीं ना कमज़ोर हो रहे थे, और जो बीजेपी वाले जो राशन दे के कह रहे थे हम राशन दे रहे हैं हमें वोट मिलेगा, लेकिन मैं यही कहूँगी उनके ऊपर बहुत करारा जवाब दिया जनता ने कि राशन से घर नहीं चलता, नौकरी से घर चलता है। इसीलिए मैं यही कहूँगी हर व्यक्ति को पढ़े लिखे नेता को चुनिए, तभी नौकरी वाला नौकरी नहीं आएगी। और जो राम मंदिर पर वोट मांग रहे थे, जनता ने इनको जवाब दिया है कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, इन्होंने नहीं बनवाया है। युवा सांसद का पहला कार्य क्या होगा? जी मेरा पहला कार्य यही होगा कि जो पढ़े लिखे लोग को आगे करना, महिलाओं को आगे करना, जो हमारे रिजर्वेशन बिल 33% उनको आगे करना, जो पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार उनको 1,00,000 सालाना देना, और डाटा आटा फ्री मिलेगा हमारी सरकार में, और नौकरियों 30,00,000 वैकेंसीज खाली उनको भरने काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।